अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज ईटा इंडिकेट लेक्चर सीरीज में से हम गैसेस चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम गैसेस के मुतालिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ इनमें आसान है और कुछ इनमें क्या है, टेक्निकल लॉजिकल रीजनिंग वाले जो है वो एमसीक्यूज़ है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ डियर स्टूडेंट जो गैस के मुतालिक है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस पे आप लोग के पास मोस्ट अबंडेंट कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट्स अक्सर औकात साल गैस लिक्विड सॉलिड या प्लाज्मा, तो अक्सर औकात आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगा लेते हैं, लिक्विड का ऑप्शन करेक्ट लगा लेते हैं। लेकिन याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि अर्थ सर्फेस पे जो मोस्ट अबंडेंट है वो आप लोग के पास क्या है, सॉलिड है। जो लीस्ट अबंडेंट है वो क्या है, लिक्विड। पूरे यूनिवर्स में जो आप लोग के पास मोस्ट अबंडेंट है वो क्या है, प्लाज्मा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस पे कौन सी स्टेट ऑफ मैटर मोस्ट अबंडेंट होगी, सॉलिड इज द मोस्ट अबंडेंट। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैसेस। गैसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें ट्रू है कि अट्रैक्टिव, म्यूचुअल अट्रैक्टिव, यहाँ पे म्यूचुअल का वर्ड है, म्यूचुअल अट्रैक्टिव टेंडेंसी इज ग्रेटर देन रिपल्सिव टेंडेंसी, रिपल्सिव टेंडेंसी इज ग्रेटर देन म्यूचुअल अट्रैक्टिव टेंडेंसी, बोथ या नन। सो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि टेंडेंसी हमारे पास दो टाइप की होती है, टेंडेंसीज आर ऑफ टू टाइप। वन इज अ म्यूचुअल अट्रैक्टिव टेंडेंसी, म्यूचुअल अट्रैक्टिव टेंडेंसी, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड रिपल्सिव टेंडेंसी। तो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाई, क्योंकि इसमें रिपल्सिव टेंडेंसी क्या होती है, ग्रेटर होती है, किस चीज़ से, अट्रैक्टिव टेंडेंसी से। जबकि अगर हम सॉलिड की बात करें ना, तो सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्टिव टेंडेंसीज ग्रेटर होगी, किस चीज़ से, रिपल्सिव से। सो इन केस ऑफ गैसेस जो रिपल्सिव टेंडेंसी है वो ग्रेटर होगी, किस चीज़ से, म्यूचुअल अट्रैक्टिव टेंडेंसी से। नेक्स्ट पॉइंट जो डियर स्टूडेंट्स आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के इन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में यूनिट ऑफ के आप लोग के पास क्या होगी, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम खत्म करें तो के डिवाइड बाई पी, के दैट इज इक्वल टू शाहबाज गुल ने वट पी वी। अब प्रेशर की यूनिट आप लोग के पास क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या टार या एमएम ऑफ एच जो लिखनी है, और वॉल्यूम के एसआई की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब और मीटर इनवर्स स्क्वायर ये कैंसिल, बचेगा क्या, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ जोल, जोल इज द यूनिट ऑफ शाबाश गुल ने व्हाट, एनर्जी। सो द यूनिट ऑफ के इन बॉयल्स लॉ इज वर्क, ये आप लोग के पास वर्क होता है या एनर्जी होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी आप लोग के पास क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड बाय टू टाइम्स एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय फोर टाइम्स देन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम, यानी आप लोगों से कहा गया है कि पहले टेम्परेचर था टी, अब टेम्परेचर आप लोगों ने क्या कर लिया है, टेम्परेचर टी से चेंज कर लिया, किस चीज पे, टू टी पे। प्रेशर था आप लोग के पास पी, और प्रेशर अब आप लोगों ने फोर टाइम क्या कर लिया है, इंक्रीज कर लिया है। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो आप लोग के पास क्या बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स याद रख ले इस पॉइंट को, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, हाफ आता है। सर हाफ कैसे आता है, तो याद रख ले डियर स्टूडेंट्स के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो टेम्परेचर पी से गया है टू टी में, और प्रेशर पी से गया है फोर पी में, से टू वन जार टू, टू टू जार क्या होता है फोर, सो दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू। तो इट मीन्स वन डिवाइड बाई टू का मतलब क्या होता है, हाफ। सो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम, वॉल्यूम ऑफ अ गैस आप लोग के पास डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज,
Look at the given graph and tell that which gas occupy greater volume. तीन gases है, एक gas A है, B है और तीसरी gas क्या है C. आप लोगों से कहा गया है कि इस ग्राफ को देखें और ये बताएं कि कौन सी गैस जो है वो क्या करेगी, ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं डायरेक्टली क्या लगाने लगा हूँ, सी वाला ऑप्शन लगाने लगा हूँ. सर कैसे? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें ना, गैस ए के लिए यहाँ पे चाहे मैं देखूँ, यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे, तो गैस ए के लिए जो प्रेशर है वही प्रेशर किसके लिए, बी के लिए भी है, और वही प्रेशर डियर स्टूडेंट्स किसके लिए भी है, सी के लिए भी. चाहे किसी भी एंगल पर मैं देखूँ, ए के लिए जो प्रेशर है वही प्रेशर आप लोग के पास बी के लिए भी है, और वही प्रेशर डियर स्टूडेंट्स आप लोग के पास किसके लिए है, सी के लिए भी है. तो अगर अब मैं आप लोगों से कहूं कि प्रेशर तीनों के लिए क्या हो गया डियर स्टूडेंट, सेम हो गया है. प्रेशर क्या है तीनों के लिए, सेम. जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा, शाबाश गुल्ले, ज्यादा. सो सी का टेम्परेचर आप लोग के पास सबसे ज्यादा आ रहा है, द टेम्परेचर ऑफ सी इज ग्रेटर. एक मिनट में यह ठीक कर लूं. टेम्परेचर ऑफ सी इज ग्रेटर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका आ रहा है डियर स्टूडेंट, सी का आ रहा है. दैट्स वाई आप लोग क्या कहेंगे, एक मिनट, अच्छा तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा डियर स्टूडेंट सी का आ रहा है, तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा आप लोग के पास, हाँ, ज्यादा होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल लॉ इज, बॉयल लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी. ए ऑप्शन वी दैट इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई पी, बी ऑप्शन लॉग पी प्लस लॉग वी दैट इज इक्वल टू लॉग के, सी ऑप्शन लॉग पी दैट इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन और वी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें ना, बॉयल लॉ के मुताबिक पी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वी, तो k that is equal to शाबाश गुल्ले what pv, pv आप लोग के पास पहले ऑप्शन को नहीं लगाना डायरेक्टली. मैंने आपको शुरू से कहा था कि ईटा में आप लोगों ने MCQs को क्या करना है, सॉल्व कर देखना है. तो अकॉर्डिंग टू सॉरी इसके लिए अकॉर्डिंग टू बाय लॉ के v that is equal to k डिवाइडेड बाय what शाबाश गुल्ले p. अगर p को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो पी वी दैट इज इक्वल टू के, दोनों साइड का लॉग ले लूँ तो लॉग पी वी दैट इज इक्वल टू लॉग के, लॉग का रूल अगर अप्लाई कर लूँ तो लॉग पी प्लस लॉग वी दैट इज इक्वल टू शाबाश गुल्ले लॉग के. अगर v को मैं उस साइड पे ले आऊं तो आप लोग के पास क्या बनेगा, log p that is equal to log k minus log v. अब अगर मैं माइनस के साइन को प्लस बनाना चाहता हूं, सो नॉमिनेटर बिकम डिनोमिनेटर, ये क्या बन जाएगा, वन डिवाइड बाई वी. तो इट मीन्स आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन आता है, ऑल ऑफ दिस. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल लॉ, ऑल ऑफ दिस रिप्रेजेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ शाबाश गुल्ले व्हाट, बॉयल लॉ. नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर आइडियल, इज मोर आइडियल, कौन सा आप लोग के पास क्या होगा, ज्यादा आइडियल होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद रखना है कि आइडियल बिहेवियर किस में ज्यादा होगा, जो आप लोग के पास क्या होगा, मैं देख लूँ कि नजर आ रहा है, किस गैस में आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा, जो गैस आप लोग के पास क्या होगी, नॉन पोलर होगी, वो गैसेस आप लोग के पास क्या होंगे शाबाश गुल्ले, मोर आइडियल होंगे. अब ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर है. तो दूसरा, जिसका साइज आप लोग के पास क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेज एग्जिस्ट करती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज या सिंपली वंडरवाल फोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट करती है. तो वंडरवाल फोर्सेज डिपेंड करती है साइज पे, जिसका साइज बिगर उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा, जिसका साइज कम उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होंगी, कम. तो साइज भी अगर सेम हो तो तब आप लोगों ने किसको देखना है, एक नॉन पोलर को, एक साइज को, और एक डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है लो बॉइलिंग पॉइंट को. जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इट मींस उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होंगी शाबाश गुल्ले, वीक होंगी. जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी
ऑटोमेटिकली वो आप लोग के पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताएं, वो आप लोग के पास मोर आइडियल होगा। सो आइडियल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों ने क्या देखना है, नॉन पोलर करेक्टर को, साइज जिसका स्मॉल होगा, तीसरा लो बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या आता है, हीलियम का आता है। क्यों? चूंकि हीलियम नॉन पोलर भी है और इसका साइज भी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें क्या होती है, वीक होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो आप लोग के पास क्या होगा, दिस विल बी मोर आइडियल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस कांस्टेंट फॉर वन मॉलिक्यूल, आइडियल गैस इक्वेशन वन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगी। सो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि हम जनरली क्या पढ़ते हैं, पी वन मोल के लिए नहीं, इस पॉइंट को समझें, वन मॉलिक्यूल के लिए। तो पी विद दैट इज इक्वल टू एन आर टी। अब आर फॉर वन मॉलिक्यूल, आर बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय डियर स्टूडेंट्स क्या, के। यानी R आप लोग के पास बराबर होता है किस चीज़ के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, और साथ साथ आप लोग के पास डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, यहाँ पे K आता है। यानी R इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू व्हाट, K। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, वन मल्टीप्लाई बाय आप लोग के पास K। K क्या रिप्रेजेंट करता है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। सो R दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वन, तो R इज इक्वल टू शाबाश गुल ने व्हाट K। तो R की जगह मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, K लिखूंगा। सो PV आप लोग के पास बराबर हो जाएगा NK, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एन अननोन गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 25 लीटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ गैस, व्हाट फोर्सेस विल डोमिनेट सम। एक अननोन गैस है जिसका वॉल्यूम आप लोग के पास कितना है, 25 लीटर। आप लोगों से कहा गया है कि इसका नेचर क्या होगा और कौन सी फोर्सेस क्या करेंगी, डोमिनेट करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जो नेचर ऑफ गैस है ये टेम्परेचर, प्रेशर और जेड के फैक्टर पे डिपेंड करती है। अच्छा, जेड अगर ग्रेटर देन वन है, जेड अगर स्मॉलर देन वन है, अगर ग्रेटर देन वन है तो नॉन आइडियल बिहेवियर, अगर लेस देन वन है तो आप लोग के पास क्या शो करेगा, आइडियल बिहेवियर। तो आप लोग देखें, जेड वॉल्यूम दिया गया, आइडियल वॉल्यूम एक्सपेरिमेंटल होता है, वी रियल। देखिए जेड बराबर होता है पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी के। इट मीन्स कि जेड डिपेंड कर रहा है प्रेशर और वॉल्यूम पे। अगर Z आप लोग के पास क्या है, ग्रेटर देन वन है, इट मीन्स कि वॉल्यूम में क्या आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम में क्या आ रहा है, एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन आएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वीक। सो गैसेस विल बी आइडियल गैसेस। अगर Z आप लोग के पास लेस देन वन है तो इसका मतलब इसमें क्या आएगी, कंप्रेशन आएगी। कंप्रेशन मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा तो आप लोग क्या कहेंगे कि दिस विल बी नॉन आइडियल गैसेस। तो V रियल आप लोग को दिया गया है 25 और आइडियल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस आप लोग को 25। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डियर स्टूडेंट्स आप लोग के पास बराबर होता है 22.3। अब नॉमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल, तो इट मीन Z की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आएगी। शाबाश गुल ने, किस चीज से, वन से। Z की वैल्यू जब ग्रेटर आएगी तो इट मीन गैसेस आप लोग के पास क्या होंगी, आइडियल होंगी, और रिपल्सिव फोर्सेस क्या करेंगी डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेट करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm वैल्यू प्रेशर, वैल्यू ऑफ R फॉर वन मोल इज। अब देखिए रूम टेम्परेचर पे आप लोग के पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है वैल्यू ऑफ R, 0.0821। अब टेम्परेचर आप लोग को देखिए ज्यादा दिया गया, 25 से चला गया है किस चीज में, शाबाश डियर गुल ने मुझे बताएं, 30 से। सो याद रख लें जो R है पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं R फाइंड करूं तो R दैट इज इक्वल टू पी वी, अगर वन मोल है तो पी वी डिवाइड बाई टी। इट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रेशर एंड R इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर 25 से चला गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इट मीन्स ये आप लोग के पास 25 पे कितना है, 0.0821। 25 से टेम्परेचर चला गया 30 पे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, less than 0.0821। सो ये कुछ डियर स्टूडेंट्स और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, लेकिन सारे मैं करा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस ले लेते हैं,
तो इस वक्त थके हुए होते हैं, तो मैंने समझा आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो करा लिए जाए। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।